वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। मेरे को पता है बहुत जल्दी करने कर रहा हूँ क्योंकि तो लेट हो गए, बाहर जाना है हमको। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते। सो गाइस, वर्कआउट का फाइनली कंप्लीट हो गया है एंड वर्कआउट हमारा एक घंटा चला वर्कआउट, और अभी 7:02 हो रहे। सो प्रीटी डिसेंट वर्कआउट हुआ, धीरे धीरे करके सब प्रोग्रेस दिखेगा आप लोगों को। सो अभी फ्रेश होते हैं नीचे जाके, वर्कआउट बहुत अच्छे से हो गया, अभी अच्छा लग रहा है बॉडी में। तो एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं, अभी नहा ही लेता है, बहुत पसीना आ गया या तो बदन बास मारेगा। तो एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी भाई हार्ट रेट बहुत हाई है मेरा एंड आई डोंट नो अभी कैसे। तो एक काम करता हूँ, नीचे जाता हूँ, फिर ट्राईपॉड पे उसको एडजस्ट कर लूँगा फ़ोन को एंड देन फ्रेश होकर मिलता हूँ। सो गाइज, इट्स 9:18 इन द नाइट और अभी हम निकले हैं ओम के घर पे जाने के लिए ऑक्टाविया में, बिकॉज बाइक निकलने के लिए थोड़ा ठंडी का मौसम हो रहा है एंड हम थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स में हमारे। तो मैं बोला कि कपड़े चेंज करने को बहुत बोर हो रहा था, सो आई वॉज लाइक कि कपड़े क्यों चेंज करने, इससे अच्छा ऑक्टाविया है, ऑक्टाविया निकलते अपना एक ड्राइव भी हो जाएगा और ऑक्टाविया निकलना भी हो जाएगा। और आई नो डार्क है बहुत सब, बिकॉज ऑक्टाविया का लाइट चालू करूँगा तो, बट ऑफ कोर्स अंदर लोग देखते ही, नासिक में सबके पास टाइम है भाई अंदर क्या चल रहा है गाड़ी के देखने का। सो वो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी हम निकले उनके घर पे जाने के लिए एंड अभी इट्स, अगर एग्जैक्ट टाइम बोलो, इट्स 9:19 एंड हम आज ऑक्टाविया निकाले रात को, बहुत दिन बाद रात को ऑक्टाविया निकली है। सॉरी एक चौक आ गया था इसलिए गाड़ी निकालने के लिए। वो ऑक्टाविया चलाने में अलग फील है, अलग। सो बाय द वे, हमारी जो ऑक्टाविया है इट्स अ 2014 एंड मॉडल, मतलब 2015 ही बोला जाए। गाड़ी हमने ली थी 80,000 किलोमीटर्स पे एंड गाड़ी इज नाउ अराउंड 95,105 किलोमीटर्स। सो हमने लेने के बाद 7 महीने में गाड़ी को 15,000 किलोमीटर चला लिया है। सो अभी मैं बहुत जल्दी इस पर इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि पर्क्स और कॉन्स क्या होते हैं, मतलब प्रोस और कॉन्स क्या होते हैं एक प्रीओन्ड जर्मन कार लेने के। तो वही एंड आई नो बहुत अंधेरा सा लग रहा रहेगा गाड़ी में, तो क्या करें अभी, थोड़ा सा नासिक में लाइट कम है ना स्ट्रीट्स पे, सो थोड़ा सा गाइस बेयर कर लो उससे, क्योंकि मेरे को भी बहुत इरिटेशन होता है अगर हमने गाड़ी के अंदर की लाइट चला ली और इसका ये देखो ये ऐसे सिग्नल पे जाते, ये ऐसे नमूने, मतलब अभी इसको स्ट्रेट जाना था, हराम खोर को स्ट्रेट जाना था भाई को अपने, और अचानक से राइट का इंडिकेटर दे दिया और ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि सब रुकेंगे उसके लिए। भाई ये देखो, इफ यू वॉन्ट टू टर्न राइट ना, तो पहले से डिसाइड करके रखो, तुम लोग आधा तुम रास्ते से स्ट्रेट जाओगे फिर आदमी डिसाइड करोगे और ये शिट राइट ले लेते तो अच्छा होता, व्हाट द फक। मूड खराब नहीं करते, अच्छे मूड से निकले, चिल मूड से निकले, और वैसे भी घर से निकलने का मतलब मन नहीं कर रहा था, बोर हो रहा था, बट ओम का फोन आ गया यार, आज अपने ओम भाई का फोन आ गया, भाई आजा करके, पटेल गुजरात गया हुआ है तो अपना बोर हो रहा था थोड़ा थोड़ा कर, तो ओम बोला प्लीज आज आजा, तो ठीक है चलो जाते हैं एंड मिलते हैं ओम से। तो अभी ओम के घर के पास ही है, हम लोग ज्यादा दूर नहीं है एंड दिस इज द ऊंटवाड़ी रोड नासिक में CCM के पास वाला, तो उधर से आगे से मैं बताऊंगा नहीं ओम के घर का रूट, बताने लायक ही नहीं है भाई, क्या बताऊं रूट, जस्ट किडिंग। बस अभी अपने ओम के घर पे पहुंचेंगे एंड ये देखो यहाँ पे द मोस्ट लिट अप एरिया है नासिक का, ये देखो इसने मतलब काठियावाड़ वालों ने वो लाइट्स लगा के रखी ऊपर पूरे बैकग्राउंड पे, हाउ कूल यार,
और पूरा स्ट्रीट को ये कर देता है, लाइट अप कर देता है वो, और एक स्ट्रीट पे अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है कि, और अभी ना लोग ऊंटवाड़ी रोड भी नहीं बोलते है एरिया को, लोग बोलते हैं काठियावाड़ रोड। भाई ऊंटवाड़ी रोड तक काठियावाड़ रोड कब से हो गया, आई डोंट नो। ठीक है चलो जैसा भी है, वो एरिया को ये तो कर रहा है, प्रमोट तो कर रहा है। राइट साइड का सिग्नल छूट गया बे। चलो ओम से मिलते हैं, और आपको भी मिला था वो आज ओम से, बहुत दिन हो गए ओम से मिले नहीं अपन। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अपनी ऑक्टाविया का डिटेल्ड रिव्यू बनाओ या नहीं, कि प्रोस और कॉन्स क्या होते हैं गाड़ी के, अगर आप जर्मन गाड़ी ओन करना चाहते हो इन एनी टाइम फ्यूचर, प्री ओन। ब्रांड न्यू तो भाई ले ही सकते हो, ब्रांड न्यू लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेकेंड हैंड एक जर्मन कार अगर आपको ओन करनी है तो उसके प्रोज और कॉन्स क्या है, अगर आपको वो सब जानने तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल गेट अ डिटेल्ड रिव्यू वीडियो ऑन द स्कोडा ऑक्टाविया, एंड एज सच मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी में, बिकॉज मेरा एक बार हमेशा माइंड सेट क्लियर रहता है कि गाड़ी आने के बाद अगर गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम निकला तो मेरे को क्या क्या करना है, बिकॉज आई एम अ कम्प्लीट कार एंथुसियास्ट। और जो अपने अश्विन भाई है, अश्विन सिंह तकियार भाई है अपने, उनसे तो बहुत सीखने मिलता है यार, इज अ जेम भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगते हैं वो एज अ यूट्यूबर, एज अ पर्सन, एज अ कार एंथुसियास्ट, वो कंप्लीट पैकेज बनते हैं भाई। उनसे कभी मिलने का मौका मिला यार, इट वुड बी ग्रेट। क्या हम दिल्ली के नहीं है ना, हम नासिक के, नासिक से दिल्ली इज अराउंड 1800 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम बोल दिया रहेगा तो सॉरी, बट मेरे हिसाब से नासिक से दिल्ली इज 1800 किलोमीटर्स, यस। तो चलो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जैसे आपको दिखाता हूँ, ये इधर ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक से क्लियर होने के बाद आपसे मिलता हूँ। हाय ओम, हाय बैक टू द चैनल ओम भाई, बहुत दिन बाद फिर कम बैक बंदे भी ओम भाई था गाइस, बहुत दिन से नाटक कर रहे थे, क्या पता उनको क्या नाटक चढ़ गए थे, मेरे को बोले तू थोड़े दिन व्लॉग मत कर, कम बैक हो गया। हम निकले सवारी पे, अभी हमको नहीं पता जिधर गाड़ी लेके जाएगी उधर जाएंगे अपन, गाड़ी तो बॉम्बे भी लेके जाएगी, चलो फिर बॉम्बे मिलेंगे सीधा बॉम्बे में, बॉम्बे जाने के लिए अभी पैसा नहीं, उधर पहुंच जाएंगे अपन बॉम्बे, लिफ्ट ले लेंगे अगर गाड़ी बंद हो गई तो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं टच वुड, बट अभी पर ठीक है पहुंच जाएंगे अपन, अभी देखते हैं, अभी तो कुछ सीन सेट नहीं है, एक गेड़ी मारेंगे छोटी सी, फिर अगर इच्छा हुई तो निकल जाएंगे बॉम्बे, तो निकल जाएंगे बॉम्बे, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आज्ञाकारी बच्चे हैं, ऐसा नहीं बोलते हम, तो क्या आज्ञाकारी बच्चे के बॉम्बे नहीं जाते क्या, नहीं जाते माँ बाप को बिना पूछे भाई, तो पूछ के जाएंगे रात को जाएंगे सुबह वापिस, बट वैसे भी हम लोग हमारी फाइनल्स के बाद सोच रहे किधर तो भी जाने का, पर रिवील नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स को कहा रिवील नहीं किया अब तक, हमको ही पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, के बाद जा रहे हैं ये कंफर्म है, हम लोग जा रहे हैं, हम गाड़ी को रिवील करने वाले किधर जाएंगे फिर देखेंगे, गाड़ी ने अगर परमिशन दी तो जाएंगे, क्यों हम भाई, और पटेल भी है हमारे साथ, तो पटेल सर भी है, पटेल सर अभी दो दिन से गांव गए और गायब भी हो गए, तो रात को भी नहीं मिले डिस्कॉर्ड पे, तो देखते अभी क्या होता है, पटेल भाई कल मिलेंगे अपने को, कल आएंगे, अभी एक गेड़ी मारता हूँ, अगर मैंने कैमरा बंद नहीं किया तो गाने सुनने को भी नहीं मिलेगा, कॉपीराइट जो लग जाता है यूट्यूब पे, है ना, एक काम करता हूँ सब हो जाने के बाद आपको मिलता हूँ। गाइस क्रेजी एवरेज ऑक्टाविया का, अरे यार कुत्ते के पिल्ले साले सब सामने आ जाते हैं, कुत्ता तेरे को अभी बीच में आ रहा था, अच्छा छोड़ो, मैं चेक कर रहा था कि गाड़ी अपने को कांस्टेंट एवरेज कितना देगी न्यूट्रल पे, अपने को डी पे गाड़ी ने कितने का एवरेज दिया है, डी पे कांस्टेंट अच्छी स्पीड पे अराउंड 50-60 के स्पीड पे अपन नॉन स्टॉप जा रहे, 22 का एवरेज है गाड़ी का, 22 का एवरेज, सो नॉट बैड एट ऑल, और गाड़ी का रेंज बढ़ते ही जा रहा है 10-10 किलोमीटर से, अभी हमने देखा 250 पे था, 260 पे हो गया, अभी घर पे जाते हैं और फाइनल रिजल्ट देखते हैं इसका एवरेज कितना निकला है। सो गाइस
ओम भाई को ड्रॉप कर दिया घर पे एंड हम निकल चुके हैं घर के लिए। एंड सिस्टर के लिए थोड़ा सा मैकडी से वो मैकफ्लरी वगैरह उठा है, मैडम को अच्छा लगता है हमारी, तो लेके जा रहे घर पे। तो ये पॉइंट पे है, मैं व्लॉग एंड करता हूँ। सो अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको ड्रिल तो पता ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऑक्टाविया का डिटेल्ड वीडियो चाहिए या नहीं। क्योंकि अभी जैसे आपने व्लॉग में देखा कि गाड़ी ने मेरे को एवरेज दिया है 26 का, हरामजादे, हाँ सॉरी। तो जैसे आपने देखा गाड़ी ने मेरे को एवरेज दिया भी 26 का, मतलब वो भी 26 का कांस्टेंट अराउंड 10 मिनट्स के लिए था, बट जो अभी मेरे को कांस्टेंट एवरेज दे रही है गाड़ी सिटी में देख लो कितना। ओके सो जर्मन कार्स भाई अलग लेवल है। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए मेरे को क्या कमेंट्स में बता देना, मैं एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू बना दूंगा, ठीक है। सो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। धीरे धीरे करके हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना चालू करेंगे। सो टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेफ, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।